हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर लकअप एकेडमी। माय नेम इज एमडी अरशद। मैं आज आपको सिखाऊंगा कि एक्सेल में लॉजिकल फंक्शन का यूज कैसे करेंगे। लॉजिकल फंक्शन का यूज करना एक्सेल में बहुत ही आसान है। आप किसी स्कूल में या चाहे किसी बड़े इंस्टीट्यूट में वर्क करते हैं तो उसमें अक्सर मार्कशीट तैयार किया जाता है। मार्कशीट तैयार करने के लिए आपको इफ के साथ लॉजिकल फार्मूला बहुत जरूरी होता है। तो मैं आज आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे इफ का यूज करके आप किसी भी मार्कशीट को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे देखें। इसको यूज करने के लिए सबसे बेहतर है कि आप जैसे सीबीएसई बोर्ड में 33% वाले बच्चों को पास किया जाता है, 33% से नीचे वाले बच्चों को फेल किया जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक साथ ये मैंने एक डेटा तैयार किया है, आप अपने अनुसार किसी भी स्टूडेंट का उसमें उसका नेम ऑफ स्टूडेंट, उसका सब्जेक्ट, उसका रोल नंबर, उसके स्कूल की आईडी और ये सारी चीज आप अपने हिसाब से बनाएंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूले का यूज करना एक डेमो के तौर पे बता रहा हूँ, आप अपने अनुसार उसका यूज करेंगे। सबसे बेहतर है इसमें कि लॉजिकल फॉर्मूला से आप आसानी से इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कमांड चलाते हैं इक्वल और इफ का यूज करेंगे। इफ और शिफ्ट दबाकर ये 9 और यहाँ पे हम ये ले लेंगे, ये जो हमारा ये देखें ऑप्टन मार्क दिया हुआ है 32, इसको मैंने ये लिया और शिफ्ट दबा के ये ग्रेटर देन, यहाँ पे 33 से कम है तो हम यहाँ पे लेस देन इसका साइन लगाएंगे और यहाँ पे कितने नंबर पे पास हो से 33 पे तो 33 लिखेंगे और यहाँ पे हम फिर लगाएंगे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, सिर्फ दबा के इन्वर्टेड कॉमा का यूज करेंगे और यहाँ पे जो 33 से कम नंबर वाले बच्चे हैं उसको हमें फेल करना है तो यहाँ पे लिखेंगे FAIL फेल और फिर हम यहाँ सिर्फ दबा के इन्वर्टेड कॉमा का यूज करेंगे और कॉमा लगाएंगे और फिर हम दोबारा से इसी ऑप्टन मार्क को लेंगे और एक काम और कर लेते हैं, फेल लिखने के बाद अब यहाँ पे इफ का यूज दोबारा से करेंगे इफ, ताकि ये हमारा और आसान हो जाए और सिर्फ दबा के फिर से हम ब्रैकेट लेंगे और यहाँ पे हम दोबारा से ऑप्शन मार्क लेंगे और इसमें भी हम ये लेस देन का साइन लगाएंगे और इक्वल प्रेस करेंगे, इक्वल लगाएंगे और कितने में से पास करने, 100 में से, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 100 और फिर से यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे लिखना है पास, PASS पास और फिर दोबारा से इन्वर्टेड कॉमा और डबल ब्रैकेट को हम क्लोज करेंगे, शिफ्ट दबा के 0 दो बार प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे तो ये देखेंगे फेल आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से ये यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट, इस तरह से यहाँ पे स्टूडेंट नेम है तो यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा, आप इसको इस तरह से पकड़ के नीचे की तरफ करेंगे तो ये हमें बता देगा कि कौन बच्चा पास है और कौन बच्चा फेल है। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ 32 एक ही बच्चे का है राशिद का, ये फेल है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे राजा है, इसको मैं यहाँ पे 32 करता हूँ और एंटर करता हूँ तो ये देखे ऑटोमेटिक यहाँ पे ये फेल हो गया। तो हम सिर्फ वन टाइम इसमें लॉजिकल फॉर्मूले का यूज करेंगे और हमें अपने आप ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक बता देगा। ये देखे यहाँ पे ये राजा जो है इसका मैंने 32 नंबर दिया, मैं यहाँ पे थोड़ा कलर कर लूंगा तो दिखेगा ये देखें यहाँ पे ये राजा जो है ये फेल हो गया। अब मुझे जो है ना से यहाँ पे ये बिलाल नाम का एक स्टूडेंट है, इसका जो है ना से 35 है तो 35 जो है ना से हम इसको हाईलाइट कर देते हैं पहले, ये देखें फिर ये रेड कलर कर लेता हूँ मैं ताकि ये और ज्यादा बेहतर देखे। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो है ना से 35 मार्क्स है, 35 है। अब मैं इसको क्या करूंगा, 31 करूंगा यानी 33 से कम होगा, 31 कर दिया मैं तो ये देखे ऑटोमेटिक यहाँ पे ये फेल आ गया। तो ये ऑप्टन मार्क और इस बच्चे को भी अगर पास करना हो तो उसके लिए हम इफ के साथ और का यूज करेंगे और वो फॉर्मूला मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा ताकि ये वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं इसको जो है ना से इतना पे क्लोज करूंगा और फिर से आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और बने रहें हमारे साथ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।